हमारा जीवन कैसे सुधरता है, क्योंकि जीवन तो हम सब जीते हैं, जिंदगी तो हम सब जी रहे हैं, लेकिन उसका सुधार आवश्यक है, क्योंकि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हमारा जीवन खुशनुमा नहीं बन पाएगा। जैसे कोई आदमी हो और वह चाहे कि उसका कोई काम सफल हो जाए, कोई काम हो जो अच्छे ढंग से हो जाए, तो उसे क्या करना पड़ता है? पहले उस काम को करने की कला सीखनी पड़ती है। जैसे हम बचपन में सबके सब साइकिल चलाना सीखे हैं, याद करें जब हम साइकिल चलाते थे तो सीधे सीट पर बैठ करके पैडल मारना नहीं शुरू कर दिए। पहले दिन जब हम साइकिल चलाना सीखे होंगे तो धीरे धीरे चलाते होंगे, और पहले हम लोग जानते हैं आजकल के छोटे बच्चों के पास तो छोटे छोटे साइकिल हो जाते हैं उनके साइज की, हम लोग के ज़माने में उस समय कहाँ छोटे साइकिल, तो पिताजी का जो साइकिल होता था वही हम लोग का सीखने के लिए साइकिल हुआ करता था, और वो साइज में बहुत ऊंची बड़ी और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल। तो क्या करते थे, जो उसकी हैंडल होती थी एक हाथ से उसको पकड़ते थे और उसके जो डंडी होती थी एक हाथ से उसको पकड़ करके एक पर अंदर डाल करके तब शुरू करते थे चलाना। तो कभी होता था कि साइकिल हैंडल्स नहीं संभाल पाए तो कभी खाई में गिर गए, किसी दीवार से जाके टकरा गए, कहीं चोट खाए। शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जो बिना चोट खाए साइकिल चलाना सीखा होगा। सबको चोट लगती है लेकिन अभ्यास, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिर पर परत निशान। किसी काम को जब हम लगातार करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं, तो उसे अच्छे ढंग से करने की कला हमारे अंदर आ जाती है, और फिर हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। वैसे ही हम सबको ये जिंदगी जीना है। जीने के लिए तो हम सब बचपन से जी रहे हैं। एक छोटी सी बात याद करें, बचपन से हम सबको माँ बाप बोलना सिखाते हैं, बेटा माँ बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, बोलना सिखाते हैं। और अच्छे से अच्छा हम 5 साल 6 साल तक अच्छे से बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है ये हम जिंदगी भर नहीं सीख पाते। जिंदगी बीत जाती है लेकिन हमें कब, किससे, कैसे बात करना है, कितना बोलना है, कितना चुप रहना है, क्या बोलना अच्छा है, क्या बोलना खराब है, ये सब सीखने में जिंदगी बीत जाती है। अभी हम सब कुछ दिन पूर्व, एक हमारा सूरत में आश्रम है तो वहाँ हमारे एक संत हैं, वे इसी बात पर एक उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि कोई गधा आदमी की तरह बोलता है, कोई गधा हो वो आदमी की तरह बोलता हो, ऐसा आपने कभी नहीं सुना है। लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जिनको आपने ये सुना होगा कि गधे की तरह बात करते हैं, मतलब गधे की तरह बात करना, मतलब बिना सिर पैर का बात करना, बिना ढंग का बात करना।
कहते हैं ना, क्या गधा आदमी है, बोलने का तमीज नहीं है। तो हमें वो तमीज आएगी कैसे? हम सब बचपन से स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, और आगे बढ़कर हम सब कमाने का जरिया सीख लेते हैं, नौकरी ढूंढ लेते हैं। आजकल जितने भी स्कूल, कॉलेज और डिग्रियां मिल रही हैं, सब हमें नौकरी कमाने का ढंग तरीका, बिजनेस करने का तरीका और ढंग ये तो बता देते हैं, अर्थात पैसा कैसे कमाना चाहिए यह तो हम आसानी से इस दुनिया में जान जाते हैं। लेकिन हमें जीवन कैसे जीना है, किस ढंग से हमें सुख और शांतिपूर्वक जीवन जीना है, इसके लिए यहाँ कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा जहाँ पर यह बताया जाए कि तुम्हें किस ढंग से बोलना है, तुम्हें कितना बोलना है, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, तुम्हें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये कभी कोई नहीं बताता। हम सबको चाहिए कि हम सब संत गुरु के शरण में जाएं। जीवन जीने का यदि हम तरीका सीखना चाहते हैं तो वो कौन सी जगह है, ये वही जगह है जहां हम सब बैठे हैं, सत्संग स्थल। ये परिवर्तन का स्थल है, ये लोगों को बदलता है। दुनिया के हर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज होता है, किसी भी मरीज के किसी दिल में या किसी शरीर के किसी भी अंग में कोई खराबी हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो उसकी चिकित्सा डॉक्टर कर सकते हैं। यहाँ तक कि मनोरोग विशेषज्ञ भी होते हैं, वो मन का भी इलाज कर देते हैं। लेकिन कोई आदमी हमेशा दुख में जीवन जीता है, हमेशा पीड़ा से जीवन जीता है, हमेशा अशांतिमय जीवन जीता है, तो उसके लिए कौन सा हॉस्पिटल है, उसके लिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उसके मन को शांति मिलेगी? ऐसा कौन सा स्थल आपने चुना है जहां जाकर आपको सुकून का जीवन जी सके आप, जहां जाकर आपको सुख और शांति मिल सके? वो जगह है संतों का संग। इसीलिए कहा गया है कि संगत कीजे साधु की, हरे और की ब्याध, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाद। सदगुरु कबीर की वाणी रग रग से वाकिफ थे वो। सदगुरु कबीर बहुत ही पैनी दृष्टि वाले, उनको पता था कि चोट कहां पर करना है। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी डॉक्टर का संगत कर लो, किसी वैज्ञानिक का संगत कर लो, किसी टीचर का संगत कर लो। वो क्या कहते हैं, संगत कीजे साधु की। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब ये हम जो से वेश में हो वो साधु नहीं है। साधु का कपड़ा तो कोई भी पहन लेता है, नाच नौटंकी में आप लोग देखे होंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए वेश बदल लेता है, नाच नौटंकी करता है, उसके बाद फिर उतर जाता है, तो क्या आप उसे साधु कहेंगे? वो तो साधु नहीं है। आप सबको याद होगा रामायण, जो लोग भी देखे होंगे, जब सीता को हरना था, जब सीता को हरना था, रावण कौन सा वेश बनाया था? साधु का ही वेश बनाया था ना। इसी वेश में अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो गलत से गलत करने वाले होते हैं, और इसी वेश में इतने अच्छे अच्छे और महान संत होते हैं जिनका जीवन निर्मल होता है, जिनका मन पवित्र होता है। तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? पहचानने का कला है उनकी संगति, उनका साथ। सदगुरु कबीर ने कहा है, बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घात, बोलत ही पहचानिए
जो बोलते हैं ना उससे पता चलता है कि ये आदमी कैसा है। मैं तो यहां पर कह रहा था कि संगत कीजिए साधु की। साधु मतलब गुड मैन, अच्छा आदमी, चाहे वो हम जैसे वेशधारी हो, चाहे आप जैसे फुल पैंट पहनने वाले हो, धोती कमीज पहनने वाले हो, चाहे माताओं की तरह साड़ी ब्लाउज पहनने वाली हो, चाहे सलवार सूट पहनने वाले हो, अगर उनका जीवन अच्छा है, उनका मन अच्छा है, तो वे साधु हैं। वो साधु हैं और उनकी संगत करने से आपको सुख मिल सकता है। जैसे यदि हम पानी को दूध में मिला दें तो किस कीमत में बिकेगा? दूध के कीमत में बिकेगा। लेकिन उसी पानी को यदि हम शराब में मिला दें तब वो शराब की कीमत बिकेगा और उसका घाटा और नुकसान ये आप सब जानते हैं। अगर दूध के साथ होगा तो वह किसी भी आदमी को स्वास्थ्य का लाभ ही देगा, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वही पानी अगर शराब में मिलकर बिक जाए तो कितनों का हानि कर सकता है। वैसे ही यदि हम संतों की संगत करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, और यदि हम संतों की संगत नहीं करते हैं तो ये गंदे लोगों की संग साथ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप चला जाता है। जैसे आप सब किसानों को देखे होंगे या आप लोग भी खुद किसानी करते होंगे, यदि आप अपने खेत में कोई फसल ना बोएं, यदि आप अपने खेत में कोई फसल ना बोएं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं उगेगा, वहां उगेगा ना, कुछ ना कुछ खरपतवार तो उग ही जाएंगे। लेकिन यदि उस खेत की कीमत अगर आप जानते हैं, उस खेत का अच्छा उपयोग करना अगर आप जानते हैं, तो क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं, उसकी जुताई करते हैं और उसमें बो करके उससे अच्छे फसल लेते हैं। वैसे ही ये हमारा जीवन है। यदि आप इस जीवन का सदुपयोग करना जानते हैं, यदि आप इस जीवन को अच्छा बनाना जानते हैं, तो इससे आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप भी उन्हीं के तरह होंगे जैसे लोग दुखी और पीड़ित होते हैं, कष्टमय जीवन जीते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा पीड़ित रहते हैं। कहने के लिए तो सबके पास कभी भी आप जाकर पूछिए तो भैया आप कैसे हो, तो सब कहेंगे बढ़िया, ठीक ठाक, अच्छा है। लेकिन दो मिनट बैठ लीजिए उनके पास तो पता चल जाएगा कि उसके पास कितना दुख है। हर इंसान दुख में जीवन जी रहा है। सदगुरु कबीर ने तो यह भी कहा है, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, जो देखा सो दुखिया। कोई भी आदमी आज तक ऐसा नहीं मिला जो सुखमय जीवन जीने वाला हो, सबके सब दुखी हैं। लेकिन क्या इससे बचा भी जा सकता है? क्या इससे पार भी जाया जा सकता है? हाँ, जाया जा सकता है। और उसका तरीका क्या है? कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। कमल के पत्ते का उदाहरण देकर बताते हैं सदगुरु कबीर कि इसके तरह आप इस जीवन में रहकर भी इस जीवन से पार जा सकते हैं। कैसे? कमल का फूल आप लोग देखे हैं ना, कहाँ पैदा होता है? तालाब में, और तालाब में जहां कीचड़ होगा उसी तालाब में कमल का फूल पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसी कीचड़ से पैदा होता है। लेकिन होता क्या है, वो कीचड़ में कभी लिपायमान नहीं होता है, कभी कीचड़ उसमें समिटा हुआ लिपटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ से और पानी से ऊपर उठ जाता है। और उसके बाद अगर आप तालाब में जब देखेंगे कि कोई पुष्प हो कमल का, और उसमें आप एक मुट्ठी एक अंजलि पानी उसमें डाल दीजिए, तो उसमें पानी भी नहीं रुकेगा, पानी भी ढरक जाता है, बह जाता है, इतना उससे वो निर्लेप होता है। वैसे ही संतजन होते हैं,
इसी दुनिया में रहते हैं, इसी धरती पर वे भी पैदा हुए, इसी संसार में जीवन जीते हैं, लेकिन इससे ऊपर होकर के जीवन जीते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में तो पैदा होता है, लेकिन कभी कीचड़ में लिपायमान नहीं होता, वो हमेशा पानी की सतह से ऊपर होकर जीवन जीता है। वैसे ही संतजन आपके समान, हमारे समान इसी जीवन में रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया में व्यवहार करते हैं, लेकिन इस जीवन से, इस संसार से ऊपर उठकर जीवन जीते हैं। वे अपने आप को इतना मांझ लेते हैं, इतना संवार लेते हैं, इतना निखार लेते हैं कि उनके जीवन में एक सुगंधी आ जाती है। संत गुरुजनों के पास बैठने से हमें मिलता क्या है? कहते हैं ना कि संतों के दर्शन मात्र से हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। क्यों क्यों हमें उनके पास जाने मात्र से सुगंधी मिलने लग जाती है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना तपाया है। कहते हैं ना कि सोना अगर आग में तप जाए तो वो कुंदन बन जाता है, उसका कीमत बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप सब सुने होंगे हीरा के बारे में। हीरा जब खदान से निकलता है, हम लोग तो कई बार सूरत जाना होता है गुजरात में, तो वहाँ देखे हैं। एक बार एक फैक्ट्री में जाना हुआ जहाँ हीरे की घिसाई होती है, तो वहाँ ला करके इतना बड़ा हीरा दिखाए, कहे कि अभी ये कुछ भी नहीं हुआ है, केवल खदान से निकला है। और उसको जब तराशा जाता है, उसके जब 56 पहल बनाए जाते हैं, तब उसकी कीमत हजारों गुना बढ़ जाती है। उसका घसने का हिरकणी होती है। कहा जाता है कि हीरा को सिर्फ हीरा से ही घिसा जा सकता है और किसी चीज से नहीं। तो जब हीरा घिसते हैं तो उसका जो कण गिर जाता है ना, उसी से उसका औजार बनता है उसको घिसने का। तो उस हीरे को जब वो खदान से निकलता है तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये हीरा है कि पत्थर है। ऐसा लगेगा कि रोड पर पड़ा हुआ कोई सामान्य सा पत्थर होगा, लेकिन जब वो चमक जाता है, उसमें जब 56 पहल बन जाते हैं, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। वैसे ही हमारा जीवन है, हम सब इसी दुनिया में जीवन जीते हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन को निखारना चाहते हैं, तो इसे अच्छे से मजाई करने की ज़रूरत है, इसको हमेशा तपाने की ज़रूरत है। तपाने का मतलब क्या है? ये नहीं कि किसी आग में जा कर के बैठ जाएं और तपा लें, ये नहीं। अपने जीवन को निखारने का मतलब है अपने आचरण को सुधारना। बाहर का वेशभूषा सब कुछ अब बदलता जा रहा है, बाहर का वेशभूषा अब सब कुछ बदलता जा रहा है। पुराने जमाने में देखिए, पुराने जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को देखिए, वे उनका वेशभूषा और आज के नए लोगों का वेशभूषा कितना बदल गया है। सब कुछ बदलता जा रहा है, लेकिन यदि बदल नहीं रहा है तो वह सिर्फ एक चीज है, हमारा मन। और हमारा मन यदि बदल जाए, हमारे मानसिक स्थिति अगर चेंज हो जाए, तो हमारा जीवन खुशनुमा हो सकता है। और संत गुरुजन इसी की सुधार के लिए हम सबको यहाँ प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। आप सब यहाँ देखेंगे अभी कि संतों के विचारों में कितना मार्मिक वाणी होती है, लेकिन फिर भी हम सुन नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, उसे ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम जो जीवन जीना चाहते हैं, वो सिर्फ हम कल्पना करते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मुझे दुखमय जीवन ही जीना है। कोई भी ऐसा आदमी है जो हमेशा दुखी जीवन जीना चाहता हो? कोई नहीं है। सब चाहते हैं सुखमय जीवन जीना,
सब हो चाहते हैं कि सुखी हो जाएं, लेकिन उसके लिए उपाय कितने लोग करते हैं? यहां इतने लोग हम सब बैठे हैं, सबसे आप पूछ लीजिए, किसी भी आदमी को ऐसा नहीं होगा जिसे दुख ना मिलता हो। दुख सबको मिलता है, लेकिन उस दुख से बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया? कोई भी काम आपने नहीं किया। आपको भूख लगती है, भूख लगती है ना, आप क्या करते हैं उसके लिए? दिन भर मेहनत करते हैं और शाम के वक्त की दो रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, दिन भर कमाते हैं और उस पैसे को खर्च करके आप कपड़ा ले लेते हैं, अच्छे अच्छे साल स्वेटर और कपड़ा पहनने के लिए सब कुछ ले लेते हैं। प्यास लगती है, पानी का व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको दुख होता है, पीड़ा होती है, आपके मन में कोई टीस होती है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? भूख लगती है, उसके लिए आपने व्यवस्था कर लिया, भोजन मिल जाता है, आप खा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ठंडी गर्मी लगती है, कपड़ा पहन लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं। लेकिन दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसके लिए हमने क्या किया? कोई भी उपाय नहीं है हमारे पास। और वो उपाय यहाँ संतों की संगति करने से मिलती है। संतों के संग साथ में जब आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको सुधार लेने से हमारा जीवन खुशनुमा हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि जो हमारा ये अनगढ़ जीवन है, इसको सुधारने के लिए हमारे बीच संत गुरुजन विराजमान हैं। और ये संत गुरुजन ऐसे हैं जैसे कोई मूर्तिकार हो और वो अनगढ़ पत्थर को ले आए और उस पर छीनी हथौड़ी से ठोंक ठोंक करके उसके बुरे अंश को निकाल दे, तो क्या तैयार होता है? एक सुंदर मूर्ति तैयार हो जाता है। वैसे ही हम सब अभी अनगढ़ हैं, हमारे अंदर कोई मूर्ति नहीं है। यदि हम चाहें तो अपने आप को संतों के गुरुजनों के चरणों में सौंप दें, अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दें और कहें कि गुरुदेव मेरे जीवन को आप निखार दें, मेरे जीवन को आप सुखमय और शांतिमय बना दें, तो वे सब हमारे दुर्गुणों को दूर करके हमें एक सुंदर और अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब उनके चरणों में जाएं, उनके विचारों को श्रवण करें, उनके बताए मार्ग पर अपने जीवन को चलाएं, जिससे हम सुखमय और शांतिमय जीवन जी सकें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।